नाइस क्वेश्चन। कुछ लोगों ने किया होगा पहले, कुछ के लिए नया होगा। अब जो भी है उसे करिए। नाइस क्वेश्चन। यस ऑल ऑफ यू। भाई एरिया के लिए तो सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया निकालना है आपको। सो एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द गिवन पोर्शन डीएक्स डीवाई। मतलब आपको लिमिट्स देखनी पड़ेंगी। आइए भाई, जो काम होना है वो हमेशा फंक्शनल लिमिट से ही होना है। प्लीज सी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सामने देखें, डोंट बी स्मार्ट। देखो पहली नजर में तो देख लेंगे आप, बता देंगे इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सब बता दोगे, बट हमें कुछ और करना है। मतलब आप सामने देखिए और जरा याद कीजिए ये कहाँ जाएगा। ये मैं आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गलत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, इसकी तो कहानी ही निराली। एक्स एक्सिस ऐसे यहाँ आ जाओ भाई, करना तो यही चाहिए ना आपको। बहुत देर में आंसर है, करना तो यही चाहिए। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। समझ गए मेरी बात? सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 6x। जी विच एक्सेस? ये भी एक्स एक्सेस, ये भी एक्स एक्सेस। ये 4 पे कट करेगा, वो 6 पे कट करेगा, हो गया। इज इट ओके? वही सर्कल्स है जिनमें मैंने बोला था आपको भाई, अगर आपको डबल ट्रिपल जीतना है तो उन सर्कल्स के को साथ ही बनाइए, साथ आइए। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4x वाला सर्कल, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या देगा x को, जब y को 0 पुट करेंगे तो x 0 और x 4 दिख रहे हैं, तो 0 0 एंड 4 0, दैट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, ऐसे 6 वाला, सो दिस पॉइंट इज 4, ये 4 0 कह लीजिए, दिस पॉइंट इज 6 या 6 0 के लिए। ओके हाँ जी, अगर हम y को देखें तो y के लिए पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन एंड 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 y एक्सिस पे ऐसे बढ़ा जाता है। और ये क्या बता रहा है ऑल ऑफ यू? हाँ जी, विच क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में y एक्सिस के ऊपर चलना है ऐसे। तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, आप समझ ही गए। खाली यही पोर्शन देखिए, मैंने आपको बस यही बताया है, लॉजिक का साथ किसी हाल में ना छोड़ा करो। ये है x2 plus y2 is 6x, और ये क्या चीज है x2 plus y2 is कितना 4x। चलिए ये तो हो गया। अगर पोलर में लिखना पड़े r थीटा में, जो कि लिखने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका r square equal to 6 r cos theta, यानी r equal to 6 cos theta। इसका r बता दीजिए छोटे वाले का, 4 cos theta। तो बस बात बात में ही बात बन गई, क्वेश्चन बस खत्म ही हुआ समझो। आओ, थीटा पहले क्वाड्रेंट में, r पहले क्वाड्रेंट में, आपके सामने सेंसिबल आंसर। हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है, कुछ लोगों को 12वीं क्लास का खुमार चढ़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं उनका, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जीरो से पाई बाय टू, हाँ जी, 1/2 36 माइनस 16। ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता देना, हो ही जाता है।
10 आएगा ना, 20 माइनस, हाँ 10, लो आ गया, क्या आ गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। रिडक्शन फॉर्मूला याद है आपको, बोलिए। सर 1/3 वन बाय टू पाई बाय टू, 1/3 कहाँ से आएगा, ठीक है ना, ये रिडक्शन फॉर्मूला यही तो बताया था, करिए फटाफट कीजिए, आराम से हो गया, बहुत शानदार क्वेश्चन था और बहुत आराम से हो गया, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लिया करो। आंसर है 7.885।